और टी शर्ट पहन के आईया साइकिल लोन, रेन कर और टी शर्ट पहन के आईया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो, पागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, ऐसी धाकड़ है धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, जोश धाकड़ है, जुनून धाकड़ है, मेहनत ऐसी धाकड़ है, और कुछ कर दिखाने की जिद ने सावन कुमारी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स तक पहुंचा दिया। इसकी आग है इंची टेप से ना सब बताइए, अभी जो आप आई हरियाणा से कितना मैच खेला, कैसा रहा सब उसके बारे में जाएगी। वहाँ हम दो मैच खेले, एक हरियाणा से और एक यूपी से। एक पहला मैच किससे खेला? हरियाणा से, ठीक है, और दूसरा यूपी से, ठीक है, और वहाँ का मतलब जितना भी अच्छा था वहाँ। हाँ, पहला मैच आप हार गए? यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा मैच खेलने का कैसे मौका मिला? क्योंकि वो बच्ची फाइनल तक पहुँची। हाँ सर, वो बच्ची फाइनल तक पहुँची। अच्छा, इस वजह से आपको दूसरा मैच खेलना? यस सर। दूसरा मैच खेला आपने यूपी के बच्चे? यस सर। ठीक है, वो मैच भी आप हार गए? यस सर। ठीक है, यहाँ आप ट्रेनिंग कहाँ करती हैं? किलकारी। किलकारी में कौन है आपके कोच? कुंदन सर। कुंदन सर सिखाते हैं आपको? यहाँ क्या क्या सुविधा मिल पाती है? हाँ, सारा सुविधा मिलता है सर। किलकारी में सुविधा मिल जाता है? यस सर। अच्छा अच्छा, पहलवानी के लिए कुछ खाना पीना कुछ विशिष्ट खास किस्म का ऐसा कुछ मिल पाता है आपको? ऐसा नहीं। सावन कुमारी इस बार भले ही मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद हैं। ऐसी धाकड़ है धाकड़ है। अच्छा, ये आप अभी जो आई हैं वहाँ से खेल के, कोई मीडिया वाले आए, किसी ने आपसे बात किया? कौन आया? हम आए। और कोई आया? नहीं सर, अभी और कोई नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि और भी मीडिया वाले आए, आपको प्रोत्साहन दें और उनको भी पता चले कि आप मेहनत कर रही हैं और नेशनल लेवल तक आपकी खबर जाए। ये बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप इसमें कहाँ तक जाना चाहती हैं इस क्षेत्र में? वो जोर आगे कुछ सोच रही हैं? तने चारों खाने चित कर देगी। क्या प्लान है आपका के बिहार के लिए खेलें या हिंदुस्तान के लिए खेलें? पलट कर देगी हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान के लिए खेलें, उसके लिए तो आपको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कितना समय देती है? अभी 2-3 घंटा देते हैं सर। 2-3 घंटा पढ़ाई कर रही है? हाँ सर, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर रही है। क्या आप इसमें पढ़ रही हैं? 10th में पढ़ रही हैं। इसके अलावा और क्या करती हैं? खेत में भी काम करती हैं? खेत में भी काम करते हैं सर। खेत में कितना समय देती हैं? 1-2 घंटा खेत में। सावन के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि बेटी आगे भी इसी तरह मेहनत करती रहे। मेरा बच्चा अच्छा है जो कि वहाँ तक पहुँचा और सहयोग किया कि जाने दिया जाए। इसको क्या कोऑपरेशन मिलता है आपकी तरफ से बच्ची को, मतलब क्या सपोर्ट करते हैं आप? सपोर्ट यही करते हैं कि सर खेलो इंडिया में घुसा है तो कम से कम मेहनत करे और आगे बढ़े। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? कौन, क्या मजदूरी में क्या करते हैं? हम जो है कि राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री, कितना आप कमा लेते हैं? 400 रुपया रोज। 400 रुपया। आप सावन की माता से रही हैं? हाँ सर। हमको सूचना मिला कि जब बच्ची का सिलेक्शन हुआ था खेलो इंडिया के लिए, तो आप कह रही थी कहाँ भेज रहे हो, खेत में नहीं काम कर रहे? नहीं कह रहे सर। हैं? वो सब नहीं कह रहे हैं। वो सब नहीं कह रहे थे? नहीं। आप अपने खुशी से बच्ची को भेजा? हाँ, अपनी खुशी से भेजे थे। अच्छा, तो बच्ची जाके खेल के आई है तो आनंद है? हाँ, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? हम खाना वाना बनाते हैं, खेत का काम करते हैं, गाय का काम करते हैं। गाय का काम करते हैं, मतलब घर पे रहती हैं? हाँ, घर पे रहते हैं। और घर गृहस्थी देखती हैं? हाँ, और सिलाई सी वो करते हैं। अच्छा, सिलाई मतलब सी के लोगों का कपड़ा सीती है? हाँ, जो सिलाने आता है तो सी देते हैं। पड़ोसी हिटलर कुमार का मानना है कि सावन में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। बताइए, जो बच्ची है सावन कुमारी, कौन आपकी? गाँव की पड़ोसी है सर, बगल की पड़ोसी है। तो देखते हैं इसको मेहनत उन्नत करते हुए? हाँ, मेहनत उन्नत करते देखते हैं। हम लोग भी पहले खेलते थे, तीन लोग को भी उत्साह दिए क्या खेल में भी बहुत हाँ। आगे जा सकती है। अच्छा, कितना मेहनत करती है? अभी तो 10th का एग्जाम भी है, पहले तो बहुत लगभग 6-7-8 घंटा मेहनत करते थे। अच्छा, सर कैसा भविष्य लगता है आपको इसका?
हमको तो लगता है इंडिया में भी मेडल दे सकते हैं जिस तरह खेलती है, तो अपना मेहनत पे अति होते हैं। अच्छा, अगर इसको सही से प्रशिक्षण मिल पाए। हाँ, और खान पीन में हल्का अति दिक्कत होता है क्योंकि रेसलिंग में खान पीन में बहुत ज्यादा अति पड़ता है। न्यूज द पैशन ने सावन के कोच कुंदन कुमार से भी बात की। सर, आपकी बच्ची सावन कुमारी अभी हरियाणा गई, वहाँ से खेल के आई खेलो इंडिया में जी। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर किया था, किस तरह से ये बच्ची वहाँ पहुँच पाई? प्रोसीजर ये पहले भी अंडर 15 का खेल चुकी है, ये सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद अभी जो है खेलो इंडिया की तरफ से जो है एक फॉर्म आया था, तो उसको फॉर्म फिलअप करके और इन्होंने फॉर्म हम लोगों ने फिलअप करवाया और उसके बाद जो है इनको इसका सिलेक्शन जो है नेशनल लेवल का हुआ और ये जो है इस प्रोसेस से गई। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या बच्ची को भागलपुर में उस स्तर की ट्रेनिंग मिल पा रही है जिस सर की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? जितना है सर कि जो बिहार में है इनकी आवश्यकता है उस तरह का ट्रेनिंग इनको मिल पा रहा है और हम लोगों ने नेशनल रेफरी को भी बुलाया है, प्रशिक्षक को बुलाया है और उनको जो ट्रेनिंग दिलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह के बैकग्राउंड से आती हैं सावन के, समझिए मतलब बाप उनके जो है पिताजी मजदूरी करते हैं, माँ भी घर में घर का काम वगैरह करती हैं, ये बच्ची भी खेत में भी काम करती है, तो क्या इसको इस तरह की डाइट वगैरह मिल पाती है जो ज़रूरी है इस तरह के खेल के लिए? सर यानी कि आर्थिक स्थिति से गड़बड़ होने के कारण जो है उतनी डाइट नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो है संभवतः हम लोगों ने कोशिश करके जो है इनको पुराने की कोशिश करते हैं और उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। दो दिन पहले ही हमने सावन कुमारी से खास बातचीत की थी और उसी वक्त हमारी टीम ने फैसला किया कि सावन की प्रतिभा को निखारने वालों से भी आपका परिचय कराया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सावन न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का नाम रोशन करें। धाकड़ है ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। न्यूज़ द पैशन के लिए कंपनी बाग भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट।